नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हेयर रिटर्न के बारे में। हेयर रिटर्न क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है या एक सामान्य कंडीशन है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये हेयरी टंग होता क्या है। जैसा कि नाम से क्लियर है, हेयरी टंग मतलब टंग यानी जीभ के ऊपर हेयर यानी बाल। तो बाल जैसे ऐसे कोई संरचना नहीं होती, बाल नहीं उगते हैं, बाल नहीं आते हैं, केवल टर्म्स है ये। जीभ के ऊपर इसमें कुछ ऐसी संरचनाएं बन जाती हैं, कुछ ऐसी संरचनाएं अपीयर्स हो जाती हैं जो कि बाल होने का फीलिंग दिलवाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे टंग के ऊपर बाल आ गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेयरी टंग। आपने देखा होगा कि टंग के ऊपर थोड़ा सा कुछ हल्का उभार नुमा संरचना और डार्क ब्राउन कलर का या फिर ब्लैक कलर का ऐसा कभी कभी अपीयर होने लगता है और ऐसा हमें प्रतीत होता है कि बाल जैसी संरचना बन गई है। तो इस अवस्था को ही हेयर टंग कहते हैं। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ। अभी चलिए समझते हैं कि इसके कॉजेस क्या होते हैं। कॉज समझने के पहले थोड़ा सा हम टंग के बारे में जान लें। हमारी टंग में एक पैपिला नामक संरचना पाई जाती है जो बहुत छोटे छोटे और उभार होते हैं। इसमें इसके अंदर टेस्ट बड होती है जो कि स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब स्वाद ग्राही होता है। क्या है कि जैसे जैसे हम लोग कोई स्वाद लेते हैं, खाना पीना जब कुछ करते हैं तो खट्टा नमकीन मीठा कड़वा जो ये भी स्वाद हमको मिलते हैं तो ये इन्हीं टेस्ट बड के द्वारा होता है। और ये टेस्ट बड किसमें होते हैं, पैपिला में होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन पैपिला के ऊपर क्रिएटिनाइजेशन होने लग जाता है, मतलब क्रिएटिन की लेयर जमा होने लग जाती है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि डेड सेल्स बहुत ज़्यादा इनके ऊपर स्टोर हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, जिसके कारण से इनकी साइज बढ़ जाती है और का उभार होने लगता है। तो कुल मिला के ये कहें कि क्रिएटिनाइजेशन होने के कारण या डेड सेल होने के कारण हेयर रिटर्न की प्रॉब्लम होती है। अब ये क्रिएटिनाइजेशन क्यों होता है या डेड सेल क्यों इकट्ठा होते हैं उस जगह पे पैपिला पे, इसको आगे देखते हैं। अब ये क्यों होता है तो इसके कुछ बेसिक कारण होते हैं। जैसे सबसे पहला जो कारण है वो ये है, टोबैको कंजप्शन। यदि आप किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे वो स्मोकिंग के रूप में हो या तंबाकू खाने के रूप में हो या बहुत ज़्यादा आप सुपारी वगैरह लेते हैं, पान गुटखा तंबाकू ये सब लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है कि आपको हेयर रिटर्न की प्रॉब्लम हो। और इसका दूसरा कारण है कि यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय पीते हैं, कई बार पीते हैं, बहुत कॉफ़ी पीते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, क्रिएटिनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है बढ़ जाती है। और कई बार बहुत ज़्यादा गर्म चाय या कॉफ़ी पीने पे आपने देखा होगा कि आपके जीभ के ऊपर खासकर अगले वाले एरिया में या पीछे वाले एरिया में कुछ उभार या काली काली संरचनाएँ दिखने लग जाती हैं, दानेदार संरचनाएँ दिखने लग जाती हैं। वास्तव में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्म गर्म चाय लेते हैं या कोई भी खाद्य पदार्थ गर्म गर्म ले लेते हैं तो ऊपर की जो सेल्स रहती हैं वो डेड हो जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, क्रिएटिनाइजेशन होने लग जाता है, जिस कारण से हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तीसरा कारण, यदि आप बहुत दिनों से लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं। अब देखिए, कोई अपने शौक से तो मेडिसिन लेता नहीं है, कुछ ना कुछ इसका कारण होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी मेडिसिन हमको लेना पड़ता है, ऐसी हमको प्रॉब्लम हो जाती है कि लगातार दवाइयाँ लेनी पड़ जाती है। यदि आप लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको हेयर रिटर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है और वो है पुअर ओरल हाइजीन। देखिए, यदि आप अपने दांतों की और अपने आपकी मुंह की टंग की प्रॉपर सफाई नहीं रख पाते हैं तो टंग के ऊपर गंदगी धीरे धीरे जमा होने लग जाती है, जिसके कारण से भी हेयरी टंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, जिस कॉज के कारण होती है, यदि हम कॉज को किसी प्रकार से कंट्रोल कर लें तो बहुत हद तक उस प्रॉब्लम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप टोबैको कंजप्शन करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो आपको टोबैको कंजप्शन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आप बंद कर देंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे जो क्रिएटिनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगी। जो ऊपर डेड सेल्स हैं, जब आप उसको प्रॉपर क्लीन करेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो कम होती जाएगी और आपको हेयर टंग से निजात मिल जाएगी। दूसरा कारण जो था कि यदि आप लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं तो ऐसे कोई भी मेडिसिन अपने मन से आपको बंद नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, सलाह लेनी है। हो सकता है उनमें से बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हो जिसका आफ्टर डोज
कम कर दें या धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बंद कर दें, तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद आप उन दवाइयों को या तो कम कर सकते हैं या उसका डोज कम कर सकते हैं, जैसा आपके डॉक्टर एडवाइस करें, या हो सकता है कि आपकी मेडिसिन भी बंद हो जाए। तीसरा जो कारण था, चाय या कॉफ़ी। तो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत ज़्यादा कई बार जिसको बोल सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी लेना नहीं है, और साथ में गरम गरम बिल्कुल नहीं लेना है, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद लें धीरे धीरे और कम मात्रा में लें। और जो चौथा कारण है, मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, कि पुअर ओरल हाइजीन। देखिए, आप यदि जैसे दांत साफ करते हैं, दो बार ब्रश करते हैं, तो दो बार ब्रश करने के बाद अपने टंग की प्रॉपर क्लीनिंग करें, मुलायम वाला ब्रश यूज़ करिए और उस ब्रश से ही अपने टंग की सफाई कर सकते हैं, या फिर टंग क्लीनर ले लीजिए, टंग स्क्रैपर ले लीजिए, इसके सहायता से आपको अपने टंग की भी सफाई करनी चाहिए। आप धीरे धीरे दो बार जरूर इसकी टंग की सफाई करिए, तो आप देखेंगे कि आपको हेयरी टंग से निजात मिल जाएगी। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में, कि यदि आपने सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी आपको टंग में कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही, जैसे यदि आपको बार बार छाले हो रहे हैं, टंग में सूजन है या दर्द है, बोलने में आपको तकलीफ हो रही है, निगलने में तकलीफ हो रही, छाले जैसी समस्या हो रही है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जा करके इसको चेक करवाना है, दिखाना है, हो सकता है कोई दूसरी समस्या ना हो, और आपके डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस करें उस हिसाब से आपको इसका ट्रीटमेंट करवाना है। आई होप कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, मैंने कोशिश की है अच्छी जानकारी देने की, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, साथ में घंटी के बटन दबा दीजिए, मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसमें मिलते रहेंगे। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर या फिर स्क्रीन में दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपकी बात मुझसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद करवा दी जाएगी। बहुत जल्दी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।